चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। देखो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें क्या करना है, जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपको इक्वेशन दे रखी है, इनका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। देखो पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। जिसका कोफिशियंट छोटा होगा हम हमेशा उसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो दोनों कोफिशियंट बराबर है, तो हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं तो वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, इस वाई को उठा के इधर ले जाता हूं, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई। अब देखो इधर अगर हम यहां पर देखें तो हम क्या करते जाएंगे, वाई की वैल्यू रखते जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आती जाएगी। बात क्लियर हो रही है, हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू रखते जाएंगे तो एक्स की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। रखो देखो मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 0 कितना आ गया, 4, ठीक है। बात क्लियर हो गई, एक्स की वैल्यू कितने के पास, 4 आ गई, ठीक है। आपको कम से कम 3 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 1, वाई की जगह रख दिया आपने, 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 माइनस 1 कितना आ गया पास, 3, तो x के लिए कितने के पास, 3 आ गई। बात क्लियर है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया y की जगह कितना रख दिया, 2 रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ गया, 2, तो x की सॉरी y था ना इधर, तो y की वैल्यू कितने के पास, 2 आ गई। बात क्लियर है, अब इसका बॉक्स बना दो। देखो ये आपका x और ये y, अब देखो आपने किस किस की रखी वैल्यू, y की जगह एक बार 0 रखा है, एक बार 1 रखा है और एक बार 2 रखा है। जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी गई, 4 आ गई। जब मैंने y की जगह 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी गई, 3 आ गई। जब मैंने y की जगह 2 रखा है ना, y की जगह 2 रखा तो जो x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू जो है आपके पास, ठीक है ना, वो कितने के पास, 2 आ गई। ये आपका x है, ठीक है, x की वैल्यू कितने के पास, 2 आ गई, ठीक है। अब मैं इन पॉइंटों को किस पर दिखाता हूँ, ग्राफ के ऊपर, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर ही बनाना है। देखो इधर ठीक है, देखो इधर ये आपका x एक्सिस, इधर क्या होगा आपका x डैश मतलब x का नेगेटिव, इधर y का पॉजिटिव मतलब y बोल दिया, और इधर क्या होता है, y का नेगेटिव होता है y डैश, ठीक है। ये आपका वही कार्टेशियन प्लेन है, इधर 0, देखो x और y की वैल्यू है ना कितनी के पास, 4 तक है ना, रख लेते हैं 1, 2, 3 और ये 4। इधर चलते हैं -1, -2, -3 और -4, 1, 2, 3 और ये 4, इधर -1, -2, -3 और -4। देखो इधर अब इन पॉइंटों को हमें क्या करना है, इसके ऊपर प्लॉट करने हैं। देखो इधर क्या बोल रहा है, ये x के 4 पे जाओ और y का 0, y का 0 मतलब कुछ भी नहीं है, बस x की वैल्यू कितने के पास, 4 है। देखो इधर x की वैल्यू 4 कहां पर है, ये दी, ठीक है। बात क्लियर है, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, x के 3 पे जाओ और y के 1 पे चल जाओ, x का 3 और y का 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। बात क्लियर ना, x का 3 और y का 1, ठीक है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, x के 2 पे जाओ और y के भी 2 पे चल जाओ, x का 2 और y का 2। बात क्लियर है, अब इन पॉइंटों को मिला दो, ठीक है ना। देखो इधर लीनियर की जो आप जब लीनियर का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। बात क्लियर है, ठीक है ना। अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है तो आप समझ जाओ आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। देखो क्या रखा है के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब अगर हम देखें, मैंने क्या कहा था, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। जिसका कोफिशियंट छोटा हो उसकी वैल्यू निकालनी है, मगर हम यहां पर इसका कोफिशियंट देखें तो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 ही है, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है, तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर किसकी वैल्यू निकालते हैं, वही x की वैल्यू निकालते हैं, तो इस y को उठा के इधर ले जाते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस y, ठीक है। अब देखो यहां पर x जो है आपका वो इंडिपेंडेंट मतलब
डिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है आपका वो क्या हो रहा है, इनडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आप y की वैल्यू रखते जाओगे तो x की वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। हमें क्या करना है, अब यहां पर y है तो y की वैल्यू रखते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, x की वैल्यू आती जाएगी। रखते जाओ, देखो मैंने पुट कर दिया, पुट y इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो गया बोलो, x इज इक्वल टू टू प्लस जीरो, मतलब कितना आ गया, टू आ गया, तो x की वैल्यू कितने के पास, टू आ गई। बात क्लियर है, ऐसे रखो, पुट y इज इक्वल टू वन, तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू प्लस वन, कितना आ गया के पास, थ्री, तो x की वैल्यू कितने गई, थ्री आ गई। ठीक है, आपको कम से कम तीन पॉइंट निकालने हैं। ठीक है, ऐसे मैंने क्या कर दिया, पुट कर दिया, वाई के लिए कितना रख दिया, टू रख दिया। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू प्लस टू, कितना हो गया, फोर, तो एक्स के लिए कितने के पास, फोर आ गई। ठीक है, अब इसका वही बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है, ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है। देखो आपने वाई के लिए क्या क्या रखा है, जीरो रखा है, वन रखा है और टू रखा है। बात क्लियर है, जब हमने जीरो रखा तो x की वैल्यू कितने गई, टू आ गई। जब हमने वन रखा तो x की वैल्यू कितने गई, थ्री आ गई। जब हमने टू रखा तो x की वैल्यू कितने गई, फोर। ठीक है, अब इनको वही क्या कर देते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन में शो कर देते हैं पॉइंटों को। ठीक है, आपको क्या करना है, वही ग्राफ पेपर पे करना है। ठीक है, नहीं है तो आप अपनी कॉपी में है ना मेजरमेंट करके कर सकते हो। ये आपका x और ये क्या हो गया, x डैश। ठीक है ना, ये क्या है आपका y और ये क्या हो जाएगा आपका y डैश। देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, फोर तक है, ले लो, जीरो, वन, टू, थ्री और ये फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस का फोर। ठीक है, बात क्लियर है, वन, टू, थ्री और ये फोर, नीचे आ जाओ, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री और माइनस फोर। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो इधर क्या बोल रहा है, ये एक्स के टू पे जाओ और वाई का जीरो, वाई का जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, एक्स की वैल्यू कितनी है के पास, टू है, एक्स की वैल्यू कितनी है के पास, टू, ये रहा एक्स का टू। अगला क्या बोल रहा है, देखो एक्स के थ्री पे जाओ और वाई के वन पे चल जाओ, एक्स का थ्री और वाई का वन। बात क्लियर है। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्स के फोर पे जाओ और वाई के टू पे चल जाओ, एक्स का फोर और वाई का टू। बात क्लियर है। ठीक है ना, आपकी हमेशा क्या बननी चाहिए, जब भी आप लीनियर का ग्राफ बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी आपके पास, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है आपकी तो आप समझ जाओ आपने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है या पॉइंटों में कोई ना कोई मिस्टेक हो गई आपसे। ठीक है, अब इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है के पास, y इज इक्वल टू थ्री एक्स, क्या दे रखा है आपका, y इज इक्वल टू थ्री एक्स। ठीक है, देखो इधर अगर हम इसको देखें तो ये तो पहले से ही एक्सप्रेस करके देखा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि देखो हमने हमारे पास क्या देख रखे, y की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, y इज इक्वल टू कितना है, थ्री एक्स। अब मैं डायरेक्ट x की वैल्यू रखता जाता हूँ तो y की वैल्यू अपने आप आती जाएगी। मैंने क्या करा बोलो, पुट कर दिया x की जगह कितना, जीरो, तो y इज इक्वल टू थ्री इंटू जीरो, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, जीरो आ गया। बात क्लियर है, ऐसे मैं पुट कर रहा हूँ x की जगह कितना, वन, तो क्या हो जाएगा बोलो, y इज इक्वल टू थ्री इंटू वन, तो y के लिए कितने के पास, थ्री आ गई। ऐसे ही पुट कर देता हूँ, पुट x इज इक्वल टू टू, तो देखो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू थ्री इंटू टू, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, सिक्स आ गया। बात क्लियर है, अब इसका भी बॉक्स बना दें वही। ये आपका x और ये आपका y। देखो आपने x की जगह क्या रखा है, जीरो रखा है, वन रखा है और टू रखा है। जब हमने x की जगह जीरो रखा तो y के लिए कितने गई, जीरो आ गई। जब मैंने x की जगह वन रखा तो y के लिए कितने के पास, थ्री आ गई। जब मैंने x की जगह टू रखा तो y के लिए कितने के पास, सिक्स आ गई। बात क्लियर है, अब इनको वही क्या कर देते हैं हम लोग, कार्टेशियन प्लेन में शो कर देते हैं पॉइंटों को। देखो इधर ये आपका कौन सा होगा, x, इधर क्या होगा आपका, x डैश, इधर क्या होगा आपका, y, इधर क्या हो जाएगा, y डैश। ठीक है, कहां तक है हाईएस्ट वैल्यू, सिक्स तक, ले लो, देखो वन,
टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। माइनस में ज़्यादा वैल्यू नहीं है इसलिए मैं माइनस टू तक ही लिख रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव और ये आपका सिक्स, ठीक है, बात क्लियर है। माइनस में ज़्यादा वैल्यू नहीं है तो माइनस टू तक ही लिख लेता हूँ, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो क्या बोल रहा है ये, एक्स के जीरो पे जाओ वाई के भी जीरो पे जाओ, एक्स का जीरो और वाई का जीरो, ये आपका कौन सा पॉइंट हो गया, होरिजन पॉइंट हो गया, ठीक है, बात क्लियर है। एक्स के वन पे जाओ और वाई के थ्री पे जाओ, एक्स का वन और वाई का थ्री, ये वाला पॉइंट हो गया आपका। अगला क्या बोल रहा है, एक्स के टू पे जाओ वाई के सिक्स पे चल जाओ, एक्स का टू और वाई का सिक्स, ठीक है, बात क्लियर है। अब इन पॉइंटों को मिला दो, ठीक है। देखो अगर हम इसको देखें, ये जो लाइन है आपकी ये किससे पास हो रही है, होरिजन से पास हो रही है। देखो एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे एक नंबर में कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसका ग्राफ कहाँ से पास होगा। देखो इसमें अगर हम देखें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं है, जैसे ऐसे होता है y इजिकल टू थ्री एक्स प्लस फाइव, है ना, तो इसमें क्या है, कांस्टेंट नहीं आ रहा, है ना। जिसमें कांस्टेंट नहीं होता है उसका ग्राफ हमेशा होरिजन से पास होता है, ठीक है, याद रहेगी बात मेरी। चले फिर आगे, अब इसी का फोर्थ पार्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है के पास, थ्री इजिकल टू टू एक्स प्लस वाई। देखो इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, भाई ये दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं, है ना, इक्वल का मतलब आप कैसे भी करके लिख सकते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, टू एक्स प्लस वाई इजिकल टू थ्री, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया था, या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या फिर वाई की वैल्यू निकाल लो, है ना, जिसका कोफिशियंट छोटा हो आप हमेशा उसकी वैल्यू निकाला करो। देखो इसका कोफिशियंट कितना है, टू, और इसका कोफिशियंट कुछ नहीं मतलब कितना है, वन, तो किसका कोफिशियंट छोटा है, वाई का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इसको उठा के इधर ले जाता हूँ, बोलो कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू एक्स हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखता जाता हूँ तो वाई की वैल्यू आती जाएगी। देखो देखो, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू जीरो, तो थ्री माइनस जीरो कितना आ गया पास, थ्री, तो वाई के लिए कितने के पास, थ्री आ गई, बात क्लियर है। अब ऐसे पुट एक्स इज इक्वल टू वन, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बोलो वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू वन, तो कितना आ गया, थ्री माइनस टू कितना आ गया पास, वन, तो वाई की वैल्यू कितने के पास, वन आ गई, बात क्लियर है। ऐसे रखो पुट एक्स इज इक्वल टू टू, तो देखो कितना हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू इंटू टू, कितना हो गया, देखो थ्री माइनस फोर कितना आ गया, माइनस वन, तो वाई के लिए कितने के पास, माइनस वन आ गई, ठीक है। अब इसका वही बॉक्स बना देते हैं, आपका एक्स और ये वाई। देखो एक्स के लिए क्या रखा है आपने, जीरो रखा है, वन रखा है और टू रखा है। जब हमने जीरो रखा तो वाई के लिए कितनी आई, थ्री, ठीक है, जब हमने वन रखा तो वाई के लिए कितनी आई, वन आ गई, जब हमने टू रखा तो वाई के लिए कितने के पास, माइनस वन आ गई। अब इन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, वही ग्राफ पेपर के ऊपर दिखा देते हैं। देखो यार, ये आपका x और ये क्या हो गया, आपका x डैश हो गया, ये क्या हो गया y, और ये क्या हो गया आपका y डैश हो गया। रखो देखो गैप ले लेते हैं, वन वन का गैप ले लेते हैं, वन टू थ्री, ठीक है, माइनस वन माइनस टू, वन टू और ये आपका थ्री, ठीक है, माइनस वन माइनस टू और माइनस का थ्री, बात क्लियर है। अब देखो यार पॉइंट क्या है आपके पास, x के जीरो पे जाना है और y का थ्री, x का जीरो, जीरो मतलब कुछ भी नहीं है, बस y की वैल्यू कितनी है, थ्री है, y की वैल्यू थ्री, देखो कहां पर आपके पास y की वैल्यू थ्री, ये दी, बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है, x के वन पे जाओ और y के भी वन पे जाओ, x का वन और y का वन, यहां पर हो गया आपका, बात क्लियर है। अगला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, x के टू पे जाओ और y के माइनस वन पे चल जाओ, x का टू और y का माइनस वन, बात क्लियर है, ठीक है, एक्स के टू पर और वाई के माइनस वन पर, ठीक है। अब देखो इधर इन पॉइंटों को ज्वाइन कर दो,
बात क्लियर है। तो ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल लाइन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, अगर पॉइंट है ना मिस हो रहे हैं आपसे, तो आप समझ जाओ आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है ग्राफ पेपर में। ठीक है, अब इसी का क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है आपसे, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स। हमें क्या करना है, इक्वेशन बतानी है किसकी, दो लाइनों की पासिंग थ्रू 2,14, जो क्या होनी चाहिए 2,14 से पास होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखो यार, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है हमारे लिए x और ये y। आपको ऐसी दो लाइन की इक्वेशन, मतलब आपको दो इक्वेशन लिखनी है ना, जो इस पॉइंट से पास होती हो। तो देखो सबसे बढ़िया तरीका, इन दोनों पॉइंटों को ऐड कर लो, क्या हो गया बोलो, x प्लस y। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो किसके बराबर आएगा बोलो, बोलो 2 और 14 कितना हो गया 16, एक इक्वेशन तो ये हो गई। ठीक है, क्या हो गई बोलो, x प्लस y इज इक्वल टू 16। ठीक है, इनको माइनस कर लो, जब मैं x माइनस y करूंगा तो बोलो कितना आएगा, x माइनस y करने पे कितना आएगा बोलो, x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, हमसे दो लाइन करने के लिए कहा था, हमने दो लाइन की इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो इसने हमसे एक और चीज पूछी आगे, हाउ मेनी सच लाइन्स आर देयर, इस तरह की कितनी लाइनें होगी यहाँ पर एंड वाई, और क्यों होगी ये भी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम बहुत सारी है ना लाइनें बनाकर लिख सकते हैं, है ना, कि आप चाहो जितनी लाइनें बना के लिख दो। जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x प्लस वाई, तो देखो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 4 प्लस 14 कितना हो जाएगा बोलो 18। तो आप क्या बोल सकते हो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। ऐसे आप इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना, बात क्लियर है। तो ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसी कितनी लाइनें होगी यहां पर, इन्फिनिटी मैनी लाइन्स। ठीक है, अब उसने रीजन पूछा है आपसे कि भाई ऐसा क्यों होगा यहां पर। ठीक है ना, क्योंकि ये जो अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये किसका पॉइंट है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है ना, बात क्लियर है। जब इसके बहुत सारे पॉइंट होंगे तो बहुत सारी लाइनें भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, वाई का रीजन क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है ना, ये क्या बन रही है, एक लीनियर इक्वेशन बन रही है किसके अंदर, दो वेरिएबल के अंदर। बात क्लियर है। चले अब इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, इफ द पॉइंट 3,4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इक्वेशन क्या देखिए आपको, 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। ठीक है ना, पॉइंट क्या दे रखा है, 3,4। ठीक है ना, क्या दे रखा है के पास, 3,4। ये आपका क्या है x और ये क्या है y। x की जगह कितना रख दो, 3 रख दो, और y की जगह कितना रख दो, 4 रख दो। ठीक है, रख दो उठा के, देखो इधर 3 है ना, y की जगह कितना रख दिया आपने 4 प्लस सॉरी इज इक्वल टू आपका है एज इट इज a, आपका एज इट इज x, x की कितनी है 3 प्लस 7 कितना हो गया बोलो, 3, 4, 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू चाहिए, तो इस 7 को उठा के चले जाता हूँ, कितना आ जाएगा बोलो, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। ये गया है ना, 7 गया तो कितना बच गया के पास, 5 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 अपॉन 3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आएगी के पास, 5 अपॉन 3 आ जाएगी। बात क्लियर है। चले फिर आगे, अब इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज रुपीज 8। क्या बोल रहा है ये बोलो, फर्स्ट किलोमीटर का जो चार्ज है आपका है ना, वो कितना है के पास, 8 रुपीज है। ठीक है ना, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 पर किलोमीटर, और जो बची हुई डिस्टेंस है ना, उसका हम क्या ले रहे हैं, 5 रुपए पर किलोमीटर ले रहे हैं। ठीक है, क्या बोल लिख लेते हम लोग, सबसिक्वेंट डिस्टेंस चार्ज जो है वो कितना है, 5 रुपीज पर किलोमीटर है। बात क्लियर है। और क्या बोल रहा है, देखो आगे, द टेकिंग द डिस्टेंस कवर एज एक्स किलोमीटर, और जो टोटल डिस्टेंस है ठीक है ना, वो कितनी आगे पास, एक्स किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर, और जो टोटल फेयर, फेयर का मतलब चार्ज जो है वो कितना आगे पास, वाई रुपीज है। टोटल फेयर वो कितना आगे पास, वाई रुपीज है। ठीक है,
बात क्लियर हो रही है? जो जो इन्फॉर्मेशन दी हमने सारी लिख ली है कि 1 किलोमीटर का जो चार्ज है ना, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका चार्ज कितना 8 रुपीज़ है, और जो बची हुई डिस्टेंस है उसका चार्ज कितना है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितने के पास x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है वो कितना के पास y रुपीज़ है। अब क्या बोल रहा है ये, राइट ए लीनियर इक्वेशन है ना फॉर द इन्फॉर्मेशन। हमें क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है, ठीक है? और उसके बाद इसका क्या बनाना है, ग्राफ भी बनाना है। बात क्लियर हो रही है? अब देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे। देखो सबसे पहले 1 किलोमीटर का चार्ज है, ठीक है ना। देखो इधर फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना है आपके पास 8 रुपीज़। बात क्लियर है? अब देखो इधर आपको जाना कितने किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर। अब आपने 1 किलोमीटर के पैसे दे दिए, किसके पैसे दे दिए आपने, 1 किलोमीटर के। अब कितने किलोमीटर बच गया भाई, आपने जब 1 किलोमीटर के पैसे दे दिए तो आप क्या बोलोगे, एक्स माइनस वन। क्या बोलोगे, एक्स माइनस वन। अब इसके किस हिसाब से दे रहे हो, 5 रुपीज़ के हिसाब से, और किसके इक्वल हो जाएगा ये, वाई के इक्वल हो जाएगा। वाई क्यों, क्योंकि टोटल फेयर, फेयर का मतलब इनका जो प्लस होगा वो पूरे चार्ज के बराबर आएगा नहीं आएगा, इसलिए क्या है टोटल फेयर कितना आपका वाई। बात क्लियर है? तो देखो कितना हो गया ये, 8 प्लस, अंदर मल्टीप्लाई करो, 5x-5 = y, ठीक है। ये कितना बच गया, 3+5x = y। बात क्लियर है? ये क्या लिख दिया आपने, इस इन्फॉर्मेशन कैसे लिख दिया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिख दिया है। अब क्या बोल रहा है इसका, बोलो क्या बनाना है आपको, ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखो ग्राफ बना लेते हैं, क्या दे रखा है आपके पास, बोलो y = कितना है, 5x+3, ठीक है ना। क्या दे रखा है आपके पास, y = 5x+3। क्या है आपका, y = 5x+3। अब मैं यहां पर x की वैल्यू रखता जाता हूं, ठीक है ना, तो क्या आता जाएगी, y की वैल्यू आती जाएगी। अब एक चीज इसमें नोटिस करने वाली है कि जो डिस्टेंस होती है ना, वो कभी भी जीरो नहीं होती। x क्या है आपका, डिस्टेंस है, ठीक है ना। देखो इधर, इसलिए हम डिस्टेंस को कभी नेगेटिव में भी नहीं लेंगे, ठीक है ना। देखो ये एक्सप्रेस करके दे रखा है डायरेक्ट आपको, भाई y की वैल्यू देखी डायरेक्ट ही, y = दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाएगी, ठीक है। रखते जाओ, पुट x = 1, ठीक है। तो y = कितना हो जाएगा, 5 × 1+3, तो y = 5+3, वाई की कितने के पास 8 आ गई, कितने के पास 8। ऐसे रखो, पुट x = 2, एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो देखो कितना हो जाएगा, y = 5 × 2+3, y = 10+3, y = कितना आगे पास 13 आ गया। बात क्लियर है? ऐसे रखो, पुट x = 3, तो क्या हो जाएगा, बोलो y = 5 × 3+3, 5 × 3 = 15+3, कितना आगे पास 18 आ गया, y कितना आगे पास 18 आ गया। बात क्लियर है? अब इन है ना, इसका बॉक्स बना दे, ये आपका x और ये y, बोलो x की जगह रखा आपने 1, तो y के लिए कितने के पास 8 आ गई। जब मैंने x की जगह 2 रखा तो y के लिए कितने की 13, जब मैंने x की जगह 3 रखा तो y के लिए कितने की 18 आ गई। बात क्लियर है? अब देखो इधर, अब अपन इसका वही ग्राफ बना लेते हैं। देखो इसमें y की ही वैल्यू है ना, नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग टाइप से बना रहा हूँ, ठीक है। आप ग्राफ पेपर जब बनाए, देखो यार ये आपका x, इधर क्या होगा x', इधर आपका y, और इसके नीचे की क्या होगा आपका y' हो जाएगा, ये आपका 0। अब देखो सबसे पहले गैप मेंटेन करने की सोचो, ठीक है। मुझे कहाँ तक जाना है, 18 तक, तो मैं 2-2 का गैप मेंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका 2, 4, 6 और ये 8, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू बड़ी नहीं है, है ना, 3 तक ही है। अब मैं y में 2-2 का गैप मेंटेन करके चल रहा था, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये आपका 18। चले देखो इधर, x = 1, क्या पहला पॉइंट क्या है, x के 1 पे जाओ, y के 8 पर। x का 1 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा लगभग, x का 1
और y का 8, ये वाला पॉइंट आ गया। x के 2 पे जाओ और y के 13 पर चल जाओ। 13 कहाँ होगा? लगभग आपका यहां पर होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? x का 3, x का 3 अप्रोक्स यहां पर होगा और y के किस पे आना है? 18 पर। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक है, इन पॉइंटों को क्या करते हैं हम लोग? मिला देते हैं। ये 3 पे 18 आपका लगभग यही जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास गैप मेंटेन नहीं है, ठीक है, इसलिए मेरे पॉइंट थोड़े से हिल गए हैं, ठीक है। बट आप ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल आपके एग्जैक्ट आएंगे पॉइंट, ये आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है।